भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी, बहुत ही वरिष्ठ नेता, वाराणसी के जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय नागेंद्र रघुवंशी जी, माननीय सांसद कौशाम्बी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय विनोद सोनकर जी, माननीय सांसद प्रतापगढ़, राष्ट्रीय महामंत्री पिछड़ा मोर्चा आदरणीय संग्राम लाल गुप्ता जी, माननीय विधायक सदर आदरणीय राजेंद्र मौर्या जी, अध्यक्ष नगर पालिका आदरणीय प्रेमलता सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय हरिप्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय राम सुरमण शुक्ल जी, एमएनसी आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक आदरणीय धीरज ओझा जी, जिला महामंत्री आदरणीय राजेश सिंह जी, आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी, आदरणीय सतीश चौरसिया जी, आदरणीय अशोक मिश्रा जी, आदरणीय पवन गौतम जी, आदरणीय गिरधारी सिंह जी, आदरणीय शिव प्रकाश मिश्र सेनानी जी, आदरणीय सिंधुजा मिश्र सेनानी जी, आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी, आदरणीय के सिंह जी, आदरणीय गणेश नारायण मिश्र जी, आदरणीय अवधेश मिश्र जी, आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय पप्पन जी, आदरणीय जीतलाल पटेल जी, माननीय विधायक विश्वनाथन, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी भाइयों बहनों, बुजुर्गों, पत्रकार मित्रों, इस भीषण गर्मी में आपने इतनी देर तक यहाँ इकट्ठा होकर के इस जनसभा को सफल बनाने का काम किया है, इसलिए अपनी बात रखने से पहले आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जब इस चिलचिलाती गर्मी में घर से निकलना भी मुश्किल है, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव दिखा करके घर से निकल करके प्रचंड धूप में इस जनसभा को सफल बनाया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपके प्रति समर्पण भाव से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी थी। उससे पहले इस देश के सरकारों का क्या हाल था आपसे छुपा नहीं है। भारत एक भ्रष्टाचार करने वालों का देश, भारत एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता था जहां एक ही परिवार का शासन सत्ता कई वर्षों से, कई दशकों से चला रहा था। माना जाता था कि भारत में, पूरी दुनिया में जितने भी भ्रष्टाचारी देश हैं, यानी सरकारी संसाधनों की लूट करने वाले देश हैं, उनमें भारत सर्वोपरि रूप से जाना जाता था। चाहे वो घोष घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे सरकारी अफसरों के मिलिट्री के मकानों का घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, यानी जल थल नभ, हर जगह घोटाले करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया था। भारत की गरिमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी धूमिल हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से पहले जब कांग्रेस की प्रधानमंत्री देश के छोड़कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में जाते थे, तो उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता था जो 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व हम सबको मिला है, जिनकी दुनिया के पैमाने पर साख है, जिनको दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके मित्र हो, वो उनके बीच में जाकर उनके लिए, उनके देश में जब चुनाव हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके लिए काम करें। आपने छोटा सा उदाहरण देखा होगा, जब अमेरिका में चुनाव हुआ तो हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़ करके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे। लेकिन जब विरोधी पार्टी को लगा कि हिंदुस्तान के सारे वोट ट्रंप के लोगों को मिल जाएंगे, तो उन्होंने भारत की बेटी को अपनी पार्टी से खड़ा किया। तो मैं कह सकता हूं, कमला हैरिस अगर अमेरिका में उपराष्ट्रपति है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, क्योंकि उनको लगा था भारत के वोटों की समर्थन की वजह से ही हम लोग चुनाव जीत पाएंगे। आज परिस्थितियां बदली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता का झंडा बुलंद करने का काम किया है। दूसरी तरफ भारत के अंदर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति,
पांच फार्मूले लेकर के जिस ढंग से देश के गरीबों की सेवा करने का काम किया है, इसका उदाहरण आजादी के बाद कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया 2014 में सरकार बनाने के बाद सभी गरीबों को निःशुल्क मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी और वो योजना आज तक चल रही है। गरीबों को मकान मिले ये सबके मन में इच्छा थी, लेकिन इसको अगर धरातल पर किसी ने उतारने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस योजना के तहत 2,39,00,000 गरीबों को पक्का मकान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक सपना होता था गरीब का कि मैं तो पैदा झोपड़ी में हुआ हूँ, छप्पर में हुआ, खपराल में हुआ हूँ, लेकिन हमारे बेटों को पक्का मकान मिलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ला करके गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया। केवल पक्का मकान ही नहीं, उसके अंदर एलईडी बल्ब, अगर गरीब की झोपड़ी में पहले लालटेन और दिया जलता था, पक्के बड़ी बड़ी कोठियों में एलईडी बल्ब जलते थे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गरीबों को पक्का मकान तो मिला ही, उसमें एलईडी बल्ब भी जलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, आदरणीय योगी जी ने किया है। इसके अलावा शुद्ध पेयजल सभी गरीबों को मिले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी योजना लाए हैं कि नल से जल सभी घरों तक पहुंचाने का काम अब भारत सरकार करने जा रही है। शौचालय देखने में भला ही छोटा मुद्दा लगता हो, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया गरीब माता बहन बुजुर्ग बच्चे जब दिन में पेट खराब हो जाए कहाँ जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क शौचालय देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। जनधन खाते जब खुल रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो बैलेंस के आधार पर, तो यही विरोधी दल समय समय पर मजाक बनाते थे, कहते थे जीरो बैलेंस के जनधन खातों का क्या होगा। लेकिन साथियों जब कोरोना महामारी आई, पूरे देश और दुनिया में हाहाकार मचा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबा करके इन्हीं बहनों के खाते में 500-500 रुपए 2-3 बार भेजने का काम किया और उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार ने बटन दबाकर सीधे इन्हीं जनधन खातों में धन भेजने का काम किया था। गरीब किसानों को सशक्त करने के लिए आदरणीय